टिफिन चाहे बच्चों की हो या बड़ों की, हर रोज क्या नया दे इस टिफिन में, ये सोच अगर बढ़ाती है रोज आपकी टेंशन, तो हम लेकर आए हैं आपके इस टेंशन का सल्यूशन। जी हाँ, रसोई कंपनी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं टिफिन के लिए बनने वाली चटपटी फटाफट वाली ये रेसिपीज, जिसे खाने से कोई भी नहीं होगा बोर, खाने वाले का दिल मांगेगा बस मोर एंड मोर। तो चलिए टिफिन रेसिपीज में सबसे पहले देखते हैं आलू पराठा बनाने की ये रेसिपी। आलू के पराठे बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। अब इसके थोड़े बड़े बड़े ऐसे गोले बना लेंगे। अब एक बोल में लेंगे हम 2 कप उबले और मैश किए हुए आलू। इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बारीक किसा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। इन सब मसालों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। इसे हाथ या चम्मच की मदद से आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब मिक्स मसाले का थोड़ा हिस्सा ले और तैयार आटे के गोले को इस तरह से हाथों की मदद से फैला कर इसके अंदर आलू के मसाले को भर दे और फिर मसाले को आटे के गोले में हाथों की मदद से इस तरह से कवर कर ले। अब थोड़ा इसे प्रेस करें और हाथों से इस तरह से फैला ले। अब थोड़ा सूखा आटा फैला ले और उसके ऊपर आलू के मसाले से फिल किए हुए आटे को रख कर घुमा ले ताकि सूखा आटा इस पर लग जाए। अब इसे हल्के हाथों से बेल ले। ध्यान रहे, हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना। बेलने के बाद गर्म पैन में इसे डालकर सेक ले। सेकते वक्त इसे प्रेस करते रहे इस तरह से। और फिर दूसरी तरफ पलटकर इसके ऊपर 1/2 छोटा चम्मच घी लगा ले। अब दोबारा इसे पलटे और दूसरी तरफ भी 1/2 छोटा चम्मच घी इस तरह से पराठे के ऊपर लगा लेना है। इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए सेक ले। लगातार पलटते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। अब इसे दही के साथ एक प्लेट में गर्मा गर्म खाने के लिए आप सर्व कर सकते हैं। भाई, आलू पराठा तो बन गया, लेकिन हर रोज तो इसे खाया नहीं जा सकता। तो चलिए बताते हैं टिफिन के लिए दूसरी रेसिपी का ऑप्शन, जिसका नाम है साबुदाना थालीपीठ। साबुदाना थालीपीठ बनाने के लिए हम लेंगे 1/2 कप साबुदाना। इसमें अंदाज से पानी डालें और रात भर भिगो कर रख दे। आप चाहे तो इसे पानी में थोड़ी देर रख कर फिर इसका पानी निकाल कर भी इसे रात भर रख सकते हैं। इससे साबुदाने दाने दाने होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। देखिए, ये साबुदाना अच्छे से भीग चुका है। अब इसे एक बोल में निकाल ले और फिर इसमें डालें 4 से 5 उबले हुए आलू। इसे हम मैश करके इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 3 से 4 बड़े चम्मच भूनकर पीसी हुई मूंगफली, स्वाद अनुसार काला नमक, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए कैसे सारी चीजें हमने मिला ली है। अब एक पैन को गर्म कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से पैन में हाथों की मदद से फैला लेंगे। पूरी तरह से फैलाने के बाद इस तरह से बीच में हम एक होल कर लेंगे। थाली पीट पैन से ना चिपके इसके लिए इसके चारों ओर हम थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल देंगे। थोड़ी देर इसे पकने दे, फिर इसे पलटे और दूसरी तरफ से इसे सेक ले। बीच बीच में इस तरह से इसे प्रेस करते रहे ताकि अंदर का हिस्सा भी अच्छे से पक जाए। चलिए अब इसका डिप बना लेते हैं। इसके साथ आप इसे खाने का मजा ले सकते हैं। इसके लिए अब एक बोल में हम लेंगे 1 कप दही,
इसमें ऐड करें 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, स्वाद अनुसार काला नमक और 1 से 2 बड़े चम्मच भूनकर पीसी हुई मूंगफली। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए, तैयार हो गया हमारा ये डिप। ये थोड़ा गाढ़ा ही रखे। इसे एक बर्तन में आप निकाल ले। धनिया के पत्ते से गार्निश कर इसे साबुदाना थाली पीठ के साथ सर्व करें। है ना एकदम इजी रेसिपी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बनाते हैं टिफिन के लिए एक और स्पेशल रेसिपी, रवा उत्तपम। रवा उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 1 कप रवा। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही और 3/4 कप पानी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर इनका हल्का पतला घोल बना लेंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी की चीजें तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक टमाटर ले, उसे इस तरह से बारीक काट ले। अब हम लेंगे 1 हरी शिमला मिर्च और उसे भी इसी तरह बारीक काट लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए हमारा ये घोल तो अब तैयार हो चुका है। अब इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता लेकर उसे बारीक काट कर इस तरह से ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और स्वाद अनुसार काला नमक। इन सारी चीजों को रवे के घोल में अच्छे से मिक्स कर ले। अब एक पैन को गर्म कर उसमें डाले 1 छोटा चम्मच तेल। इसे पैन में सब जगह पर फैला ले और फिर रवा का तैयार मिश्रण का थोड़ा हिस्सा लेकर इस तरह से पैन में फैला ले। मिश्रण को थोड़ा मोटा ही रखे। फिर इसमें ऊपर से ऐड करें बारीक कटा टमाटर और बारीक कटी हरी शिमला मिर्च। आप चाहे तो बारीक कटी प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें डाली है। इसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करें ताकि ऊपर से डाली हुई हर चीज रवा के मिश्रण में ठीक से चिपक जाए। नीचे की तरफ से पकने पर इसे हम पलट लेंगे और दूसरा हिस्सा भी सेक लेंगे। ये देखिए, हरी चटनी के साथ सर्व करने के लिए हमारा रवा उत्तपम बनकर हो गया है रेडी। अब इसे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गर्मा गर्म खाने का मजा ले। क्यों, इसे देखकर आ गया ना मुंह में पानी। तो कैसी लगी टिफिन के लिए हमारी ये 3 अलग अलग रेसिपीज? पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले।